उसका नाम है, उसको ज्वाइन करने से पहले मैं दिल्ली मीडिया में था, ठीक है ना, और मैं लॉकडाउन में छुट्टी आया था घर पे। तो जैसे जैसा आप लोग जानते हैं कि जो CBSE स्कूल होते हैं और यूपी बोर्ड के स्कूल होते हैं वो एक बहुत शानदार एक आप लोगों को जो है सेवा देते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल स्कूल वाले बस वगैरह से वैन वगैरह से लेके जाते हैं, जाते नहीं जाते आप गाँव में होता ही है। तो वैसे ही मेरे घर के सामने क्या है एक बस स्टैंड है और जो जो बच्चों का बस स्टॉप बना हुआ है सारे बच्चे स्कूल के वहीं से जाते हैं। तो मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी पीठ पर भारी भरकम बैग रखा हुआ था वो वैन की तरफ जा रही थी। मेरी अचानक से निगाह उसके ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि वो बच्ची गिर पड़ती है। फिर जैसे ही मैं बच्ची के पास गया तो मैंने एक हाथ से उस बच्ची का बैग पकड़ा, दूसरे हाथ से उस बच्ची को। जैसे ही मैंने उनको उठाया तो मैंने फील किया कि जो मेरा बैग वाला हाथ था वो नीचे की साइड में था और बच्ची वाला हाथ ऊपर की साइड में। फिर मैंने सोचा, मैंने आकाश दिया, आप एक बात बताओ कि आपको मीडिया में कोई काम मिलता है कि जो लोगों की समस्याएं होती हैं उसको गवर्नमेंट के सामने रखना, उनको सॉल्व करवाना? तो मैंने कहा क्यों ना हमें सबसे पहले जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने और मेरी टीम ने कई सारी स्टडीज की, कई सारी रिसर्च की। फिर हमारे हाथ एक फिनलैंड जो देश है उसकी जो पॉपुलेशन है 86 लाख है। फिनलैंड का नाम सुना है कभी? फिनलैंड देश का नाम सुना है कभी? नहीं सुना। इंडिया की तरह ही है। फिनलैंड में क्या होता है कि जब तक बच्चा 7 साल का नहीं हो जाता उसको स्कूल नहीं भेजते। बच्चे की तो गारंटी बच्चा स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन पेरेंट्स जेल जरूर जाएंगे अगर बच्चा 7 साल का नहीं होगा उसको स्कूल भेज दिया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बहुत अलग सिस्टम है कि बच्चा 3 साल का हुआ नहीं पेरेंट बोलते भाई इसको स्कूल भेजो, दिमाग खराब कर लिया इसने, हमारा स्कूल भेजो, धक्का देते हैं घर से पता नहीं। वहाँ क्या है, वहाँ एक अलग सिस्टम और है जो गवर्नमेंट ने बना रखा है। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे स्कूल में सभी लोग जाते हैं, प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद सीधे 4 घंटे पढ़ाते हैं बच्चों को। मैथ वाले कराएंगे, मैथ निकाल लो भाई, उसके बाद इंग्लिश वाले कराएंगे, इंग्लिश निकाल लो भाई, ऐसा होता है। लेकिन फिनलैंड में क्या है, बच्चे को पहले 40 से 45 मिनट कोई पढ़ाई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिर दूसरे पीरियड में बच्चे को कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाएंगे, इन द सेंस कोई खेलकूद करवाएंगे, जिससे कि उसका जो ब्रेन है अगली जो पुस्तक है उसको अगले जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए बन सके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो पूरा सिंगापुर बेस्ड कंसेप्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर आप लोगों को मोटिवेशन भाषण दूँ, आप लोगों का टाइम खराब करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि हमारा जो कंट्री है वो कहाँ से कहाँ है और जो विदेशी देश है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोग स्टडी कर ही रहे थे कि 2012 की नेल्सन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को पढ़ते भाई मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, पसीना आने लगा बुरी तरह से। मैंने कहा कि ये कैसे संभव है। आप लोगों ने कोटा का नाम सुना है? कोटा हाँ, राजस्थान में ना, इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन है। IIT की तैयारी करनी हो कोटा भेज दो, मेडिकल की तैयारी करनी हो कोटा भेज दो, होगा नहीं होगा वो सेकंड इशू है, एक बार डालो तो सही, कोटा में बच्चे को डाल देते। फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस किस प्रकार आते हैं कि 2012 में नेल्सन की रिपोर्ट है 16,000 बच्चे डिप्रेशन का शिकार हुए, दैन उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया। किस लिए? कि वो एक एग्जाम पास नहीं कर पाए। मैंने कहा इतनी क्या कायरता है कि पढ़ाई तो हमने भी किया, सर ने भी किया पढ़ाई, पढ़ाई इतनी बोरिंग थोड़ी कि आप एक एग्जाम पास ना कर पाओ, बंदे पर सुलझाओ। मैंने कहा इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें करना चाहिए और अपने इंडिया के अंदर कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ऐसा ही हम लोग आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसा प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है पूरा सिंगापुर बेस्ड प्रोग्राम है। सबसे पहले से रशियन गवर्नमेंट ने 70s के अंदर यूज़ किया था ओलंपिक में 70s से पहले उनके कई करीब 50 मेडल थे और उनके एक साथ 125 मेडल हुए इस हमारे कंसेप्ट को यूज़ करते ही। उसके बाद बात करेंगे पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन पर, जो कि 1980s के बाद जापान में कैसे बूम आया, कैसे सक्सेस आया, वहाँ के जो छात्र थे सबसे वीक छात्र कैसे टॉप करने लगे एग्जाम में, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये जो सेमिनार है स्टूडेंट्स के लिए है। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप लोग रिलेट करो, रिलेट इन द सेंस आपको लगे कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ होती है तो हाथ खड़े करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है ना? रेडियो अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर किताब याद नहीं होती? कितने बच्चे हैं ऐसे, हाथ खड़े करो। अगर एक भी बच्चा ऐसा है जिसको किताब याद नहीं होती तो पूरी की पूरी किताब याद करवाने की गारंटी मेरी है। कितने बच्चे हैं ऐसे, बुक हो जाती है आप लोग?
अच्छा कई बार समझ नहीं आता, डिफिकल्ट हो जाता है। मैं एक प्रश्न और पूछता हूँ आप लोगों से। अच्छा ऐसे कितने बच्चे हैं, सपोज करो जिन्होंने पूरी की पूरी किताब याद कर ली, पढ़ाई पूरी कर ली, फिर एग्जाम से दो तीन दिन पहले जैसे अपन लोग देखते हैं, अरे यार जैसे रिवीजन के लिए वो खोलते हैं ना, अरे यार ये तो मैं भूलने लग गया, ये तो मुझे याद था, फिर वापस से वो खोलते हैं, अरे यार फिर याद, फिर भूलने लग गया, फिर याद नहीं आ रहा। ऐसे कितने बच्चे जो एग्जाम से दो तीन दिन पहले सारे जो याद किए प्रश्न हैं वो भूलने लग जाते हैं, कोई ऐसा है? बहुत अच्छे, जब हम सब खिलाड़ियों के कभी मन से नहीं रहा तो एक्सेप्ट करने का तैयार ही नहीं है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो एग्जाम से दो दिन पहले जिनको पेट दर्द होना, बुखार आना, मैं कोई मेडिसिन नहीं बेचूंगा यहाँ पे पहली बात तो, ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पेट दर्द होना, बुखार आना, एग्जाम देते देते बेहोश हो जाना, घबराहट होना, कितने बच्चे हैं ऐसे, हाथ में पसीना आना, कोई है ऐसा? चलो कोई नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये चाहते हो कि बुक इधर से बुक फ्लिप करें तो पूरी पूरी थ्योरी याद, इधर से बुक फ्लिप करें तो पूरे पूरे इमेज डायग्राम याद, कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं? सर एक बात तो क्लियर है, मेहनत करना कोई नहीं चाहता। खैर वो बाबा आदम का जमाना था, जापान में ऐसे ही पढ़ाई होती है, वो बाबा आदम का जमाना था, एक बार लेके बैठ जाते थे, बड़ एक बार स्टार्ट होती है, स्टार्ट होगा तो कम ही नहीं था, फिर जापान में ऐसी पढ़ाई होती है। अब मेरा ये प्रश्न पूछने का आप लोगों से यही मतलब था कि हालांकि सॉल्यूशन सभी के हैं मेरे पास, इतना ही मतलब था कि आप लोग कितने उत्साहित हो अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी टीम आप लोगों के साथ मेहनत करने वाली है, मेहनत ये ऐसे करेगी, मैं बताऊंगा आप लोगों को भी कि सबसे पहला हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है डीएमआईटी मीन्स डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, डर्मा मीन्स होता है स्किन, जानते हो ना, इंग्लिश पढ़ते हो, डर्मा मीन्स होता है इंग्लिश, सॉरी स्किन, स्किन यानी कि त्वचा, ग्राफिक होता है आपके हाथ का प्रिंट लिया जाना, डर्मेटोग्राफिक स्कॉल्ड ये कहलाता है आपकी हाथ की त्वचा का प्रिंट लिया जाना, मल्टीपल यानी कि बहुत सारी, इंटेलिजेंस होती है बुद्धिमता, टेस्ट होता है परीक्षण, आपके हाथ की त्वचा का परीक्षण करके वो लोग बताते हैं कि आपका जो इंटरनल ब्रेन है बना किस चीज़ के लिए, आपकी एक उंगली की हम लोग 3 प्रिंट लेते हैं और 10 उंगली कितनी हो गए 30 के 30 प्रिंट, यहाँ से सिंगापुर जाते हैं फिर वहाँ से 3 दिन के बाद वैज्ञानिक आपके स्टडी जो फिंगरप्रिंट की स्टडी करते हैं तो वहाँ से 3 दिन के बाद एक रिपोर्ट निकल के आती है 30 पेज की होती है, वहाँ क्या होता है उस रिपोर्ट में निकल कर आता है कि आपका जो इंटरनल ब्रेन है, आंतरिक जो आपका दिमाग है वो बना किस चीज़ के लिए, आप डॉक्टर बनोगे, IAS बनोगे, फिर हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है वहाँ के बच्चों का, डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, इसके अलावा इंग्लिश बोलने में तो नहीं देखते, ये भी रिपोर्ट में निकल के आता है, इसके अलावा स्टेज पर जाने से घबराते नहीं हो, ठीक है ना, स्टेज पर हो गया किसको यहाँ पे कोई बोल सकता है क्या, सब लोगों को है अक्सर के, तो फिर इसमें क्या होता है पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, उस क्लासेस में हम लोग 40 आपसे ब्रेन जिम की एक्सरसाइज करवाएंगे, एक तो एक्सरसाइज मैं अभी आपको करवाऊंगा और एक वायरल बीट म्यूजिक जो कि जापान से रिलेट करता है वो आपको सुनाया जाता है, उसका परिणाम ये होता है कि आपको 2 घंटे की चीज़ें 15 मिनट में याद होने लगती हैं, लंबे समय तक याद होने लगती हैं, टीवी और मोबाइल से बिल्कुल जो है कि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, और जो प्रश्न आपके अंदर करने की योग्यता नहीं होती वो योग्यता आने लगती है, अपनी एज से 3 साल मेच्योर हो जाते हो, मेच्योर इन द सेंस समझदार हो जाते हो, कितनी एज है आपके अभी 15 साल, आपके अंदर 18 साल की समझ आने लगेगी क्लास के बाद, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त टैलेंट बच्चों के अंदर आता है जो जिसके कारण बच्चों को टीवी पर लेकर जाते हैं, हमारे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाते हैं, ब्लाइंड फोल्ड इन द सेंस आप उनकी आंखों पर पट्टी भी बांध देना तो भी हमारे बच्चे पैरों से अखबार पढ़ सकते हैं, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हैं, और वो सारे काम जो आप और हम खुली आंखों से करते हैं हमारे बच्चे बंद आंखों से कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको जो बताया ना बुक फ्लिप करके वो होता है QSR क्वांटम स्पीड रीडिंग, वो भी हमारे बच्चे कर सकते हैं लेकिन वो आता है एडवांस कोर्स में। अच्छा मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज करवाऊँ, राइट हैंड कौन सा आप लोग, राइट हैंड
राइट हैंड बाहर की ओर कीजिए, सभी लोग बाहर। अच्छा बाहर, और लेफ्ट हैंड है वो अंदर की साइड करो, करो अभी अंदर की साइड ऐसे ट्राई कीजिए। सीधा हाथ बाहर की तरफ ये ऐसे, और लेफ्ट हैंड अंदर की साइड में एंटी क्लॉकवाइज। अभी दोनों हाथ एक साथ करो, वो खिलाड़ी ऐसे कर रहा है घोड़ा दौड़ा भाई। सीधा हाथ बाहर की तरफ और उल्टा हाथ अंदर की तरफ, ये ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे करना है। हो पा रहा है किसी से? एक्चुअली क्या होता है मैं बताऊं, हमारा जो राइट पार्ट होता है बॉडी का उसको लेफ्ट ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट पार्ट होता है बॉडी का उसको हमारा राइट ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन कहता है भाई एक बार में एक ही काम करवा ले, दो काम नहीं हो सकते। एक एक्सरसाइज और ऐसे करो सभी लोग, ये ऐसे जो बड़ी वाली फिंगर है उसको ऐसे फोल्ड करो, ठीक है ना। अभी ये जो थंब है इसको बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो फर्स्ट फिंगर खोलो बंद करो। अभी ये सबसे छोटी फिंगर इसको भी ऐसे करो। अब जो लास्ट वाली फिंगर है ये वाली, ये करके दिखाओ, ये यहाँ से अपनाने चाहिए। खोलो खोलो, कोई भी खोल के दिखाएगा तो उसका नाम दिया जाएगा। कोई भी है ये ऐसे खोल के दिखाओ, ये वाली जो मिडिल फिंगर है। नहीं ये तो बिल्कुल याद आएगी ना बड़ा, नहीं सकता। लेकिन ऐसे ही हम लोग 40 दिन में एक्सरसाइज करवाते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को जो दिखाने जा रहा हूँ वो ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा जी का चमत्कार हो, ये सिर्फ हार्मोन के सिक्रेशन से संभव है। मैथ वाले सर और जो फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले कराते हैं, सर को पता है कि हार्मोन्स क्या चीज़ होती है, आपको पढ़ाते भी हैं सर, क्योंकि बायोलॉजी में पढ़ाई जाती है हार्मोन्स। सर PCM के टीचर है मैंने, इसलिए आप साइंस से सर थोड़ा सा बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अभी कोई एक बच्चा निकल के आ जाओ, कोई सा भी कोई भी निकल के आओ, कॉटन बच्ची देखो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंसल्ट करने का हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, हम इनकी यहाँ पर पट्टी बांधेंगे और कॉटन लगाएंगे। कभी कभी बच्चों का तुक्का भी ठीक होता है, तो वो कैसे ठीक होता है मैं बताऊंगा। और इनको क्या है, हम लोग कुछ कलर्स वगैरह देंगे जो इनको रिकॉग्नाइज करने हैं। आँख मत खोलना, अदरवाइज जिसे कॉटन आपकी आँख में छुपेगी फिर जलन होगी, ठीक है ना। दिख रहा है क्या कुछ? नहीं दिख रहा बिल्कुल। चलो कोई नहीं, मैंने कितनी फिंगर्स कर रखी तुम्हारे आप तुम्हारे सामने, तुक्का ही मार दो कोई दिक्कत नहीं, मैंने हाथ ही नहीं कर रखा। चलो कोई बात नहीं, कलर पा रहे हैं क्या आज भी? अच्छा आपके हाथ में एक कार्ड है, इसको थोड़ा सा पढ़ के बताओ। अजीब है यार, वही तो बोल रहा हूँ नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप लोग बोलो क्या पागल है यार, आंखों पर पट्टी बांध रखी है और पढ़वा रहा है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारी क्लासेस के दौरान ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, सिर्फ हार्मोन के सेक्रेशन से होता है। अभी क्या सर, हम निकाल दो आप, सर आप हमारे जो बच्चा है आप खुद मांगो उसको। अभी हमने शिवम जी की परीक्षा ली है, और शिवम हमारे जो स्टूडेंट हैं अजय उनकी परीक्षा लेंगे।
लेकिन अब अपनी किताब कुछ दे दो। भी दो उनको कुछ भी, जैसे वॉच दे सकते हो, वॉच दे सकते हो है ना, कुछ भी दो आप लोग, अपना मोबाइल दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। कुछ भी दो आप लोग, किसी के पास वॉच हो, पेन हो, पेन का कलर बता सकता है, कुछ है बेटा, ये कलर क्या है पेन का दिखाना है बताओ। ये बच्चे ऐसे हाथ से रब करते हैं, स्मेल करते हैं, बता देते हैं। ब्लैक, वेरी गुड। वापस मिलता लेकिन कलर अच्छा, लोहे का कलर कौन सा होता है आप बताओ। सर वेरी गुड, देखो ठीक है ना, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा। ये वॉच है ठीक है ना, सर ने बच्चे को इनाम में दिए ये। इसके अंदर गोल्डन कलर का कलर है और उसके व्हाइट कलर का कलर है जो भी ऊपर है। वेरी गुड वेरी गुड। ये अगर आप राइटिंग समझ गए तो बच्चे को और कुछ दे दो, जो बच्चों को प्रिंट हुआ हो वो दे दो। स्मेल करते हैं ऐसे और बच्चे रब करते हैं, दो चार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। समझ नहीं है ना आपका। देखो दो चर वाले रैखिक है ना, ठीक है ना। तो कभी कभी होता है राइटिंग समझ नहीं आती बच्चे को। और कोई है किसी को देना है? ये पीछे कौन कह रहा था कि जो याद है वही बता। आ जाओ आ जाओ, कलर कलर क्या कर क्या क्या लिखा हुआ है, ये तो क्या लिखा इंग्लिश में बता दो। और कुछ देना है किसी को? अभी निकाल दें पट्टी, डाउट हो किसी को तो अभी क्लियर कर लो। ऐसा कुछ नहीं है बाबा जी का, कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रेशन से संभव है। ब्लू तो चला जा।